अभी. Have a very good day and I'll come and see your tea time concert. Okay. Right, आज अभी का tea time concert है. चलो ये लो. पकड़ो. No, you will be fine. You're very good at it. Good morning. Welcome to the new vlog. कैसे हो भाई और बहनों? तो vlog की शुरुआत हो रही है कुछ 10:30 बजे. ठीक है. और मैं अभी डॉक्टर से फिनिश करके वापस आई हूँ. गाड़ी में बैठी हूँ. आप लोग सोच रहे हो प्रीति दीदी आपके साथ हो क्या रहा है? आप रोज ही डॉक्टर के यहाँ पे चक्कर काट रहे होते हो. तो गाइस आप लोग देख सकते हो मुझे ये रैश हो गया है. ठीक है. दिखने में बहुत ही बुरा लग रहा है. आई नो दैट. तो बस इतनी जगह पे मुझे रैश हुआ है और आज कुछ 5 दिन हो गए हैं. मैंने घर में से बहुत ट्रीट कर लिया. मैंने सिट्रोजिन भी खा ली, मैंने ऑइंटमेंट्स भी लगा ली, मैंने स्टेरॉइड्स वाली ऑइंटमेंट भी लगा ली, लेकिन ये रैश जा ही नहीं रहा है. ना ये बढ़ रहा है, ना ये कम हो रहा है, बस ये यहाँ का यहाँ ही है. तो मैं इसलिए डॉक्टर के पास आई थी. तो डॉक्टर के हिसाब से मुझे फंगल, एक्चुअली डॉक्टर के हिसाब से नहीं, फार्मासिस्ट के हिसाब से, क्योंकि मुझे मेरे जीपी ने फार्मासिस्ट को रेफर कर दिया, उनके हिसाब से ये फंगल इन्फेक्शन है. ठीक है. मुझे लग रहा था हाइव रैश है, लेकिन हाइव रैश नहीं है. उन्होंने कहा क्योंकि एक ही जगह पे हो रहा है, तो उन्होंने मुझे ये क्रीम दी है जिसके अंदर 1% स्टेरॉइड्स है. तो ये लगाकर देखते हैं वाली क्रीम, इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है. अदरवाइज वो लोग मुझे स्किन स्पेशलिस्ट को रेफर करेंगे. इस रैश के अलावा और कुछ नहीं है. ना मुझे फीवर हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना थकान फील हो रही है. मैं वैसी की वैसी हूँ जैसी मैं हूँ. और या क्या करें यार, अब कुछ कर नहीं सकते. तो ब्लड टेस्ट, वो कह रहे हैं कि हम आपका ब्लड टेस्ट कर देंगे, लेकिन जिस हिसाब से आप हमें अपने बारे में बता रहे हो, हमें लग नहीं रहा कि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. ये बस आपको हो गया इन्फेक्शन, क्योंकि आप एंटीबायोटिक्स ले रहे थे अपने ईयर इन्फेक्शन के लिए, बहुत सारी चीजें चल रही थी आपकी लाइफ में. तो हमें ऐसा लगता है कि बस आपको ना थोड़ा स्ट्रेस के कारण हो गया. हालांकि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, आई एम वेरी हैप्पी. तो मैंने उसे यही बोला, बट मुझे नहीं पता यार अब जो है वो है. एनीवे अभी फटाफट चलते हैं घर, क्योंकि मुझे रेडी होना है और मुझे निकलना है अपने कॉलेज के लिए. हाँ जी सर. तो अब मैं जा रही हूँ. ठीक है. एक दिन मैंने जाना होता है. आप चुप कर जाओ. आपने नेक्स्ट थर्सडे की छुट्टी नहीं ली. मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, बहुत ज्यादा नाराज हूँ. अभी क्योंकि उससे भी अगले थर्सडे नहीं हूँ. सौरभ नहीं हो ही नहीं सकता. अगर इस साल जो मैं कर रही हूँ और उसमें मैं उस चीज को मैं प्रोसीड नहीं कर पाई, उसका जिम्मेदार तू है. मैं तो साफ बात कह रही हूँ. तुम लोग कहते हो ना कि मैं अच्छा पति हूँ, देखो कितना गंदा पति. नहीं सौरभ नहीं, थाली में नहीं, नहीं. तो वैसे लोगों में से नहीं हूँ कि बिना सोचे समझे अपनी लाइफ के डिसीजंस ले लूँ. ठीक है. मैं और इतना बड़ा डिसीजन मैं ऐसे नहीं लूंगी बिना प्रैक्टिस के. अब मेरे कॉलेज की टीचर मुझे बाहर निकाल देगी. एनीवे अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ. मैं अभी इतने स्ट्रॉबेरीज खरीद लाई हूँ. स्ट्रॉबेरीज फ्रिज के अंदर है. आप उसको वॉश करके उसके हेड को कट करके अच्छी तरह से उसको बोल में डाल के दोगे. जैसे आप उसको स्कूल से लेके आओगे, आप स्ट्रॉबेरीज बाहर निकाल के रख देना. बाय द टाइम वो शावर लेगा, सब कुछ करेगा, तो स्ट्रॉबेरीज रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी. ठीक है. एकदम ठंडी ठंडी नहीं खाएगा. मैं उसके लिए डोरिटोज ले आई हूँ, छोटे वाले क्यूकम्बर्स ले आई हूँ. तो स्ट्रॉबेरीज और क्यूकम्बर का एक पैकेट पहले ही बाहर निकाल के रख देना. उसकी सलामी पड़ी हुई है फ्रिज के अंदर, तो वो क्यूकम्बर और सलामी खाता है. एक कॉर्नर खाएगा, कॉर्नर योगर्ट. जब आप उसे स्कूल से उठाओगे तो उसको 5 गाइस खिला देना. तो बस मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज. आप लोगों को लग रहा होगा प्रीति दीदी बहुत ही सख्त किस्म की बीवी है. सख्त किस्म की बीवी नहीं हूँ यार. अबीर की ना एक रूटीन है. ठीक है. और अगर उस रूटीन को आपने फॉलो नहीं कराना तो गड़बड़ हो जाती है. और उसने आने वाले 2 दिन में ना स्कूल ट्रिप पे जाना है 3 दिन के लिए डेवन. तो उसके खाने पीने का ना बहुत ध्यान रखना होगा. तो बस इसके चलते ही मैं आपके भैया को इंस्ट्रक्शन दे रही थी. भैया से मैं नाराज हूँ और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा. भैया हर थर्सडे को अपनी मीटिंग्स बुक कर लेते हैं. भैया आज नहीं तो करते. नहीं है ना, तो आज क्यों नहीं? और नेक्स्ट 2 थर्सडे पहले उसके लिए आज ही सुनने बैठ जाऊं मैं. फिर तुमने मुझे अभी बताया क्योंकि प्रीति नेक्स्ट भी नहीं हूँ, उससे नेक्स्ट भी नहीं हूँ. यार ऐसे नहीं होता ना. तो नेक्स्ट मैं मॉर्निंग में हूँ, इवनिंग में नहीं. तुम्हें कुछ करना पड़ेगा. वाओ वाओ, मेरी इवनिंग में ही क्लास होती है. पता नहीं यार, आई रियली डोंट नो. एनीवे छोड़ो यार, ये चलता रहेगा. भैया को एक प्यारी सी गुड बाय बोलते हैं. थैंक यू भैया, आपने अपना कीमती समय निकाला मुझे ड्रॉप करने के लिए. हालांकि मैंने कहा था मैं टैक्सी में चली जाती हूँ, बट कोई बात नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया. याद रखेंगे. चलो गाइस चलते हैं कॉलेज. बस तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आज मैं बहुत दिनों के बाद क्लाइंट्स करूंगी. देखते हैं क्या करती हूँ, कलर करती हूँ या फिर कटिंग करती हूँ. कॉलेज पहुंचते ही पता लगा कि फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया है, इसलिए हम सबको कॉलेज छोड़कर असेंबली पॉइंट पे जाना पड़ा. और कम से कम हमने आधे घंटे के लिए वेट करी जब तक कॉलेज ने फायर अलार्म को रीसेट करा. मेरा एग्जाम है आज, तो बस मैं जा रही हूँ एग्जाम सेंटर एग्जाम देने. फिंगर्स क्रॉस पास हो जाऊँ. अभी जो मॉक एग्जाम लिया है टीचर ने क्लास में, उसमें तो टॉप करा है बहन ने.
लेकिन पंगा सारा एग्जाम सेंटर में आता है। एनीवे चलते हैं। तो बस मैं अबीर के स्कूल आ चुका हूँ। आज अबीर का है मतलब बेसिकली इसको कहते हैं टी टाइम कॉन्सर्ट। वहाँ पे ना वो प्ले करते हैं सारे बच्चे अपने अपना इंस्ट्रूमेंट। तो अबीर आज अपना ड्रम्स प्ले कर रहा है, तो बस जाते हैं अंदर और उसका ड्रम्स देखते हैं। ही इज़ वेरी एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। अनफॉर्चुनेटली प्रीति नहीं आ पाई, बट एटलीस्ट मैं तो आ गया। चलो तो जाते हैं अंदर, देखते हैं कैसे करता है और फिर आपसे बात करते हैं। चलो जी, टेस्ट हो गया है, पता करते हैं रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हो, तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। जैसे आप एग्ज़ाम ख़त्म करते हो, आपके टीचर के पास आपके रिजल्ट आ जाते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं पास हुए कि फेल। आज जो मुझे क्लाइंट असाइन हुई थी, उनको कराना था वन लेंथ कट। किसी भी तरह का कट करने से पहले ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप बालों को अच्छी तरह से शैम्पू और कंडीशनिंग कर लो, और फिर टॉवल ड्राई बालों को आप सेक्शन के अंदर डिवाइड कर लो। जब आप बालों को सेक्शन के अंदर डिवाइड करते हो तो आपका हेयर कट एकदम एक्यूरेट और इवन रहता है। तो आप देख सकते हैं उनका हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। मैंने उनके बालों को ब्लो ड्राई कर दिया है और अब उनके बाल कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। Well done, Abhi, today. Thank you. Did so well. Huh? You really made me and mummy proud. Well done. Thank you. What are you doing? So, hum aa gaye hain, five guys. Humne bhi burger order kara hai apna, to unhone aaj, maine bhi order kara hai. You okay? Yes. Yahan pe aap free wo milti hai aapki peanuts. To aap mufli kha sakte ho, baithte hain yahan pe. Aap nahi kha sakte beta. तो ये कमरा हो गया है अबीर का, हमारी नई चेयर भी आ गई है। तो बस बाकी काम करते हैं। आज हमारी टीचर ने हमें सिखाई रेजर टेक्निक। रेजर टेक्निक का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपको नेक लाइन से उन बालों को रिमूव करना होता है जिनको आप सीजर की हेल्प से चॉप ऑफ नहीं कर सकते हो। तो आप देख सकते हो आज क्लाइंट ने शॉर्ट हेयर कट करवाया था और उनकी नेक पे कुछ ऐसे हेयर थे जो कि हम हेयर कट के दौरान नहीं रिमूव कर पाए। तो अब मेरी टीचर रेजर का इस्तेमाल करते हुए उनको एकदम फिनिश और क्लीन लुक देने की कोशिश कर रही है। Why don't you still do the exam next week but do a bride on someone and get bridal out of the way? So you mean to say I'll do the exam next week, yeah, and do the bridal on someone and then I'll leave by 5 and then I won't have any client? Yeah. बस मैं घर वापस आ गई हूँ और आकर चेंज वेंज कर लिया है, शावर ले लिया है। अभी तो सोने भी चला गया है, थोड़ा धीरे बात करती हूँ। साथ वाले रूम में ही सो रहा है। तो बस यार, अच्छा रहा आज का दिन। लेकिन हाँ, मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किया तो मैं फेल हो गई। मुझे ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। और मुझे आई वॉज़ डेड श्योर, पता मैं क्या सोच रही थी, टीचर बोले कि आज तो तुम्हारे 100% आए। तो एकदम से उसने बोला प्रीति यू डिडंट पास। भाई मेरी तो दिल की धड़कनें रुक गई थी, सीरियसली। मतलब ये क्या बात है, यू नो आप वो होते हो ना, आप बड़े श्योर होते हो कि नहीं यार इसमें तो मैं पास हो ही जाऊंगी, ऐसा कैसा हो सकता है मैं इस छोटे से एग्जाम में पास ना हूँ। कटिंग का एग्जाम था, हेयर कट का। तो सच में यार बहुत दुख हुआ मुझे। और फिर उसके बाद मैंने टीचर के साथ बैठ के डिस्कस भी करा अपना एग्ज़ाम, क्योंकि उसको शीट मिल जाती है, हमारी आंसर शीट।
तो उसमें हमने देखा कि तो मुझे कई आंसर्स के लिए ना 50% मार्क्स मिले हैं. लाइक हर क्वेश्चन आपका 100% राइट होना चाहिए, ठीक है, या तो बिल्कुल भी सही नहीं होना चाहिए या फिर 100% राइट होना चाहिए. तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है. शी सेड उस क्वेश्चन के अंदर ना कुछ ऑप्शंस ऐसी होंगी जो कि मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस होंगी, तो तुमने वो नहीं चूज करी, तुमने कोई और चूज कर ली, इसलिए वो तुम्हें 50% दे रहे हैं. आई वाज लाइक यार ऑप्शन तो आपको एक ही चूज करनी है ना. पता नहीं यार बड़ा ही वो था. तो एनीवे तो सब बातों की एक बात है कि मैंने एग्जाम फेल हो गई हूँ और मेरा नेक्स्ट वीक दोबारा से एग्जाम है. और नेक्स्ट वीक सौरभ यहाँ पर नहीं है तो मैं हाफ डे के लिए जाऊँगी, मतलब कि भाई 5-6 बजे निकल जाऊँगी वहाँ से, क्योंकि मैं अबीर को ना ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक स्कूल छोड़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल क्लब में. उसके बाद तो मुझे उसे पिक करना ही करना है. तो अब देखते हैं कैसे चलता है. आज मुझे लगता है सौरभ पर थोड़ी नाराज़ होकर गई थी ना, इसलिए मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हुआ. चलो ऐसे नहीं सोचते हैं, ठीक है कोई नहीं, ये तो सब चलता रहता है. और हाँ देखो मेरा रैश बहुत बेटर हो रहा है, ठीक है. तो वो जो क्रीम उन्होंने मुझे दी है ना, तो मुझे काफ़ी फ़र्क है. और उन्होंने मुझे कहा था कि आप सिट्राजिन को ना ऑन रखना, छोड़ना मत सिट्राजिन खाना, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है. मतलब कि शायद आपको ना लग रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा रैश में बहुत फ़र्क पड़ रहा है. तो आई एम हैप्पी अबाउट इट. एनी वे इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर बंद, आपसे मिलेंगे कल. और हाँ एक चीज़ और यार, अबीर की परफॉर्मेंस देखी, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. मुझे पता है इतनी सारी मम्स के मैसेजेस आए हैं कि वी मिस्ड यू एंड अबीर प्लेड रियली वेल एंड वी ऑल हैड अ गुड टाइम. वो गाना ही ऐसा है ना, वी विल रॉक यू, तो बंदे वैसे ही वो थोड़ी जोश में आ जाते हैं. तो नहीं यार इट्स नाइस नाइस, गॉड ब्लेस हिम. तो मिलते हैं आपसे कल. ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई और बहनों. मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय.